जय हिंद डियर स्टूडेंट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर का न्यूमेरिकल है और वीआरएमएस वेलोसिटी वाले फार्मूले पर बेस्ड है ये। द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस की अगर हम बात करें तो ये डायएटॉमिक गैस है बेटा, डायएटॉमिक गैस है जिसका मोलर मास अगर हम देखें तो 2 होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। विद द आरएमएस वेलोसिटी कह रहा है कि इस हाइड्रोजन गैस की आरएमएस वेलोसिटी जो है कह रहा है एट इट्स मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल हो गया ना, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है H2, कह रहा है इज 7 टाइम्स, इसकी वेलोसिटी कितना है 7 टाइम्स ऑफ आरएमएस वेलोसिटी ऑफ किसके, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ये हो गया और 2 लगा दिया, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया। और कह रहा है नाइट्रोजन की जो आरएमएस वेलोसिटी है वो वीआरएमएस ऑफ हाइड्रोजन जो है इस नाइट्रोजन की 7 गुना है, लेकिन नाइट्रोजन कौन से टेम्परेचर पर है उस टाइम पर, तो कह रहा है कि टेम्परेचर जो है ना नाइट्रोजन का वो 300 केल्विन है बेटा। और नाइट्रोजन गैस भी कैसा है, डायएटॉमिक गैस है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F=5 होगी और मोलर मास देखो बेटे नाइट्रोजन 714 होता है, मॉलिक्यूल है तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो इतना इंफॉर्मेशन हमको मिल गया यहां से। अब अगर मैं यहां पर वीआरएमएस का फार्मूला आपको याद दिलवाऊं तो वीआरएमएस इक्वल टू कितना होता है 3 और KBTY कितना 3 और R/M, ये फार्मूला होता है। यहां पर मोलर मास का कॉन्सेप्ट आ रहा है इसलिए हमने कैपिटल आर और यहाँ आर वाला टर्म लिया, केबी वाला नहीं लिया, क्योंकि अगर हम केबी वाला लिख देते ना 3 KBT/m, ये ऐसा नहीं है कि गलत है, सही है बेटा, लेकिन यहाँ मास ऑफ वन पार्टिकल है, ये मास ऑफ वन पार्टिकल, हमें मोलर मास का कॉन्सेप्ट लेना है तो हम आर को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब हाइड्रोजन गैस के लिए अगर ये फार्मूला लिखेंगे ना तो 3R और यहां पर T हाइड्रोजन गैस हो जाएगा और मोलर मास में हाइड्रोजन गैस हो जाएगा और 7 × और ये नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे तो 3R हो जाएगा और T नाइट्रोजन गैस हो जाएगा और यहां पर मास जो है वो नाइट्रोजन गैस का हो जाएगा। 3R और 3R कैंसिल हो गए बेटे, बचा क्या हमारे पास, T हाइड्रोजन रूट के अंदर बचेगा ये और M यहां से हाइड्रोजन और ये 7 ही है और T नाइट्रोजन और मोलर मास नाइट्रोजन का, दोनों साइड के स्क्वायर कर दें आप, जैसे ही दोनों साइड के स्क्वायर करेंगे तो T हाइड्रोजन गैस और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस और इक्वल टू 49 हो जाएगा, स्क्वायर होगा ना दोनों साइड का तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और T नाइट्रोजन गैस और अपान मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है आपको, तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस आपको कैलकुलेट करना है बेटे, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये आपका क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है आपका। तो T हाइड्रोजन इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 और T नाइट्रोजन गैस और इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपान मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। अब इस सब की वैल्यू आपको पता है, सारी वैल्यू आप धीरे से क्या चुपके से पुट करो, 49 और T नाइट्रोजन देख लो आप कितना है, T नाइट्रोजन 300 और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 है। अच्छा बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 कैसे होगा, भैया ये हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का तो 1 होता है, मॉलिक्यूल का 2 हो जाएगा फिर, और यहां पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है जो कि हमने यहां 28 करके बताया है आपको, ये 2 से इसको कैंसिल कर दो 14 आ जाएगा, 27 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा और ये 49 × 150 और अपान 7 हो जाएगा और 7 से इसको काट दो तो 7 हो जाएगा और 15 × 7 = 105 हो जाएगा, इतना केल्विन हो जाएगा। तो आपको हाइड्रोजन गैस का जो टेम्परेचर मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा, वो मिलेगा 1050 केल्विन। ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा।